गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से हम आज के लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, वो डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव दैट वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू टू, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू टू। नाउ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्विंग द ब्रैकेट ए वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
नाउ सॉल्विंग द ब्रैकेट, वन से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस टेन थीटा दो मेथड से सॉल्व करते इसको। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अभी कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, कॉट थीटा इंटू वन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, नेक्स्ट माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा कॉट टेन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, नेक्स्ट वन प्लस टेन थीटा कैन बी रिटन एज वन ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज वन बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू वन, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, माइनस सेक थीटा इज वन बाय कॉस इंटू कॉस बाय साइन, कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा, माइनस वन बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा। अभी जब जो जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे, कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा कैंसिल, ये वन प्लस वन बाय कॉस थीटा माइनस वन बाय कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ये पूरी टर्म वन बाय कॉस थीटा, वन बाय कॉस थीटा प्लस वन बाय साइन थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा कैंसिल, नेक्स्ट ये वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू वन प्लस वन टू हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आपने लिया दोनों का, ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होगा, वन अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जीरो हो जाएगा।
नेक्स्ट, इफ एग्जांपल है, इफ एक्स इक्वल टू 3 sec theta, y इक्वल टू 4 tan theta, then sec square theta minus tan square theta equals to what? इसको और एक तरीके से भी पूछते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 3, एक्स बाय 3 स्क्वायर माइनस वाई बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का भी आंसर वन है। कैसे देखो स्टूडेंट, पहली वाली तो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, x स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन, ये x इक्वल टू 3 sec theta है, x बाय 3 इक्वल टू सेक थीटा है, y इक्वल टू 4 tan theta है, y by 4 equals to tan theta. Therefore, sec square theta minus tan square theta equals to x by 3 square minus y by 4 square is equal to 1. इसका और आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, x square minus y square equals to 25. This is also true. देखो कैसे आता है इसको, वी टेक x स्क्वायर बाय 3 दैट इज x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1, तो 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ये रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अल्जेब्रिक फंक्शन, यहाँ पे x और y थीटा के फॉर्म में है और हमने यहाँ पे थीटा इलिमिनेट किया है, जो एक्सप्रेशन है 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144, इसमें थीटा प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, और किस तरह का है, x इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा, x इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा, y इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा, इलिमिनेट थीटा मीन्स इसका एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाओ इसमें थीटा नहीं हो,
x इक्वल टू 5 प्लस 6 cosec थीटा, y इक्वल टू 3 प्लस 8 cot थीटा, इलिमिनेट थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको x माइनस 5 बाय 6 इज इक्वल टू cosec थीटा। ये 5 लेफ्ट साइड में गया तो x माइनस 5 बन जाएगा, और 6 मल्टीप्लिकेशन में cosec थीटा के, इट इज x माइनस 5 इक्वल टू cosec थीटा, एंड y माइनस 3 अपॉन 8 इक्वल टू cot थीटा। और आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी आइडेंटिटी है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। cosec स्क्वायर थीटा आएगा x माइनस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर, माइनस cot स्क्वायर थीटा आएगा y माइनस 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें भी हमने थीटा को इलिमिनेट किया है, और एक देखते हैं, इफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ओके, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन है x इक्वल टू 5 प्लस 6 cosec थीटा और y इक्वल टू 3 प्लस 8 cot थीटा। इलिमिनेट थीटा मीन्स ऐसा एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें थीटा नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ। तो हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो x माइनस 5 बाय 6 इज cosec थीटा है एंड y माइनस 3 बाय 8 इज cot थीटा है। हमने वैल्यू कहां से निकाली है, इस एक्सप्रेशन से निकाली, cosec थीटा और cot थीटा की, और cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी में रखी है। cosec थीटा की वैल्यू x माइनस 5 बाय 6 रखी, cot थीटा की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 बाय 8 इज इक्वल्स टू 1, इलिमिनेट थीटा इलिमिनेट हो गया। चाहिए बाथरूम में, नेक्स्ट है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा इक्वल्स टू 0, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इससे हमें क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट अबाउट इक्वल्स टू 0, sin square theta can be written as 1 minus cos square theta, 2 times 1 minus cos square theta plus 3 sin theta equals to 0 square. देखो
दैट इज 2 माइनस 2 का स्क्वायर थीटा we express, we find out the value of cos theta. इस एग्जाम्पल में हमें साइन थीटा का एक इक्वेशन दिया है, हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है. ऐसे भी निकाल सकते हैं. वन मोर मेथड टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0. गिवन वी टेक साइन थीटा कॉमन, इसमें से अगर हमने साइन थीटा कॉमन किया, रिमेनिंग टर्म क्या है, 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. साइन थीटा 0 हो गया, 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. साइन थीटा है -3/2. तो क्या हमें साइन थीटा ही पूछा है? साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा इक्वल्स टू -3/2. यहाँ पे दो फैक्टर्स है. साइन थीटा अगर हमने कॉमन लिया, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. साइन थीटा इक्वल्स टू -3/2 और साइन थीटा इक्वल्स टू 0, दीज आर द टू फैक्टर्स, टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा. प्रोडक्ट ऑफ बोथ द फैक्टर्स इज 0, राइट साइड 0 है. साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. साइन थीटा इक्वल्स टू, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो साइन थीटा 0 है, साइन थीटा इक्वल्स टू -3/2. नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स. इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 1/5, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो दोनों टर्म में से साइन थीटा कॉमन लिया हमने. 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है, दोनों में से साइन थीटा कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या, 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स टू -3/2 और साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है. नेक्स्ट, इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 1/5, इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 1.5, tan theta plus sec theta is 1.5, then find tan theta
साइन थीटा सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 1.5 है, तो हमें tan थीटा sin थीटा sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो स्टूडेंट, tan थीटा प्लस sec थीटा 1.5 मींस 3/2 होता है, 1.5 मींस 3/2, एंड वी नो फंडामेंटल आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वी नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, दिस इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसके दो रूट्स होते हैं, as sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बंद दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 0। गुड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के दो फैक्टर्स होते हैं, पहला था sec थीटा माइनस tan थीटा, दूसरा फैक्टर है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका दो रूट्स हो गए, sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज गिवन 3/2, दैट इज क्या, क्योंकि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/2, यहाँ पे हमने सेकंड ब्रैकेट के लिए 3/2 रखा, sec theta minus tan theta इसका reciprocal होगा 2/3, we call it equation number 1। equation number 1 है sec theta plus tan theta 3/2, equation number 2 है sec theta minus tan theta 2/3, adding 1 and 2 adding 192 देखो, प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो गया, sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा इक्वल्स टू 3/2 प्लस 2/3, LCM आएगा दोनों का 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 प्लस 4 दैट इज 13/6, 2 sec theta की वैल्यू 13/6 है, तो sec theta की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट,